हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 7 का प्रैक्टिस सेट 7.3। अब तक के प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने प्रैक्टिस सेट 7.1, 7.2, 7th चैप्टर का करा दिया है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट 7.3 पर ना आए, 7.1 एंड 7.2 जो है उसको आप सॉल्व करिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने अच्छे से समझाया है कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, इनवर्स वेरिएशन क्या होता है और बहुत सारे सम्स भी है। तो आप उनको सॉल्व करोगे तो आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप पहले 7.1 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो, 7.2 सॉल्व करो एंड देन उसके बाद जब आप 7.3 पे आओगे तो बहुत ही इजीली आपको सारे ही क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ऑफ इनवर्स वेरिएशन, यानी कि जो गिवन स्टेटमेंट है इनमें से हमें बताना है कि कौन सा इनवर्स वेरिएशन है और कौन सा डायरेक्ट वेरिएशन है। मैंने ऑलरेडी चैप्टर जब स्टार्ट किया था तब मैंने समझाया है कि वेरिएशन कितने टाइप के होते हैं। इनवर्स वेरिएशन होता है, डायरेक्ट वेरिएशन होता है, डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, इनवर्स वेरिएशन क्या होता है, ये भी मैंने वहाँ पे अच्छे से समझाया है। स्टिल मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा देती हूँ। देखो, इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है, जब भी हम किसी भी दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड टाइम टेकन बाय देम टू कम्प्लीट द जॉब। अब ये किस तरीके का वेरिएशन है, ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब, यानी कि किसी भी काम को करने के लिए जो नंबर ऑफ वर्कर्स हमने हायर किए हैं एंड टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क, और उस काम को कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है उसको हम कंपेयर करें, यानी नंबर ऑफ वर्कर्स को हम कंपेयर करें और जो टाइम लग रहा है उस काम को कंप्लीट करने के लिए, ये दो चीज़ों को हम कंपेयर करें। अब जब हम नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज कर देते हैं तो उसी सेम काम को करने में कम टाइम लगता है, और जब हम नंबर ऑफ वर्कर डिक्रीज कर देते हैं तो सेम काम करने में ज़्यादा टाइम लगता है, यानी कि जब हम नंबर ऑफ वर्कर कम करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा और जब हम नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज कर देंगे तो टाइम कम लगेगा। तो इस तरीके के जो वेरिएशन होते हैं जहाँ पे हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, जैसे ही मैंने नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज किया टाइम डिक्रीज हो गया, नंबर ऑफ वर्कर डिक्रीज किया टाइम इंक्रीज हो गया, तो यानी एक चीज़ कम किया तो दूसरी चीज़ ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो सच टाइप ऑफ वेरिएशन को हम क्या बोलते हैं, इनवर्स वेरिएशन। तो पहला वाला क्या है, इनवर्स वेरिएशन है। सेकेंड में, नंबर ऑफ पाइप्स ऑफ द सेम साइज टू फिल अ टैंक एंड द टाइम टेकन बाय देम टू फिल द टैंक, यानी हम यहाँ पे किसको कंपेयर कर रहे हैं, पाइप्स है, यहाँ पे बहुत सारे पाइप्स है, ठीक है, नंबर ऑफ पाइप्स लिखा है यानी कि दो चार पाइप तो होंगे, ठीक है, एक टैंकर को फिल करना है। अब पाइप्स जो है टैंकर को फिल कर रहे हैं तो जो टाइम लग रहा है इसको हम कंपेयर करें। देखो, नंबर ऑफ पाइप्स एंड टाइम, इन दोनों चीज़ों को हम कंपेयर करें। अगर मैं पाइप इंक्रीज कर देती हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि टैंकर जो है वो बहुत जल्दी क्या होगा, फिलअप हो जाएगा, और अगर पाइप नंबर ऑफ पाइप डिक्रीज कर देंगे तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पाइप डिक्रीज करते ही टाइम ज़्यादा लगा, और जब हम नंबर ऑफ पाइप इंक्रीज कर देंगे तो टाइम कम लगेगा, तो ये भी क्या हुआ, इनवर्स वेरिएशन हुआ। सिमिलरली थर्ड देखो, पेट्रोल फील इन द टैंक ऑफ अ व्हीकल एंड इट्स अ कॉस्ट, यानी कि टैंकर में जो पेट्रोल फील्ड हुआ है उस पेट्रोल को हम कंपेयर कर रहे हैं और उसका कॉस्ट हम कंपेयर कर रहे हैं। तो जैसे जैसे देखो, पेट्रोल जितना फील होगा कॉस्ट तो उतना ही देना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है कि एक लीटर पेट्रोल फील्ड हुआ और कॉस्ट हम हाफ लीटर का ही पे करेंगे, नहीं ना। तो जितना पेट्रोल फील्ड होगा टैंक में उतना ही कॉस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो जैसे पेट्रोल जो है, मतलब हम किसे कंपेयर करें, पेट्रोल को कंपेयर करें, कॉस्ट को कंपेयर करें, तो एक इंक्रीज हो रहा है, पेट्रोल की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो कॉस्ट भी उतना ही इंक्रीज होगा उसके करस्पॉन्डिंग में। पेट्रोल कम फिल होगा तो कॉस्ट भी कम पे करना पड़ेगा, यानी ये जो दोनों चीज़ों को कंपेयर करें ये क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो साइमल्टेनियसली दूसरी भी इंक्रीज होती है, एक डिक्रीज होती है तो साइमल्टेनियसली दूसरी भी डिक्रीज होनी चाहिए। तो सच टाइप ऑफ वेरिएशन इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। तो थर्ड वाला डायरेक्ट वेरिएशन है। फोर्थ देखो, एरिया ऑफ सर्कल एंड इट्स अ रेडियस, तो ये तो आप अपने माइंड में विजुअलाइज भी कर सकते हो ना, कि जैसे जैसे किसी सर्कल का रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे उसका एरिया भी बढ़ेगा। तो ये किस तरीके का वेरिएशन हुआ, ऑब्वियस सी बात है कि डायरेक्ट वेरिएशन हुआ। रेडियस जैसे जैसे बढ़ता है थोड़ी सर्कल का जो एरिया है या उसका सर्कमफेरेंस है वो डिक्रीज होता है, वो भी तो इंक्रीज ही होता है। तो जब रेडियस इंक्रीज हुआ एरिया भी इंक्रीज हुआ, रेडियस डिक्रीज हुआ एरिया भी डिक्रीज हुआ, या एरिया डिक्रीज हुआ तो ऑब्वियस सी बात है रेडियस भी डिक्रीज होगा। तो ये कौन सा वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन है। तो होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, इफ
15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स. अगर 15 वर्कर मिलकर क्या करते हैं, एक वॉल को बनाते हैं 48 आवर्स में, हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स. अब मुझे क्या करना है, जो वॉल पहले 48 आवर्स में कंप्लीट हो रहा था, अब उसे और जल्दी 30 आवर्स में कंप्लीट करना है. ठीक है, तो इसके लिए हमें कितने वर्कर्स रिक्वायर्ड होंगे ये हमें फाइंड आउट करना है. बट क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखने से पहले हमें ये समझना होगा कि गिवन जो क्वेश्चन है वो किस टाइप के वेरिएशन का क्वेश्चन है, डायरेक्ट वेरिएशन है या फिर इन्वर्स वेरिएशन है. तो डायरेक्ट में क्या होता है कि जब एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है दूसरी भी इंक्रीज हो रही है. लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो जब देखो नंबर ऑफ वर्कर्स अगर मैं इंक्रीज करती हूँ तो ऑब्वियसली बात है ना, अगर मैंने वर्कर 15 से 20 कर दिए तो जो वॉल पहले 48 आवर्स में बन रहा था अब वो और जल्दी बन जाएगा, यानी कम टाइम में बन जाएगा. तो जब ये इंक्रीज हुआ ये डिक्रीज हुआ, अगर ये डिक्रीज होगा नंबर ऑफ वर्कर कम कर देंगे तो वॉल बनाने में और 48 आवर्स से भी ज्यादा टाइम चला जाएगा ना. तो ये डिक्रीज हुआ ये इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हुआ तो ये भी डिक्रीज हुआ. इट मीन्स ये क्या है, इनवर्स वेरिएशन है. तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसका सॉल्यूशन लिखना. क्वेश्चन नंबर टू के सॉल्यूशन में हम लिखेंगे यहाँ पे, सपोज द नंबर ऑफ वर्कर्स बी एक्स. सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे कि वर्कर क्या है, एक्स है, एंड टाइम रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ वॉल बी वाई. यानी कि जो टाइम लग रहा है वॉल को बनाने में वो टाइम क्या है, वाई है. अब मैंने यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ वर्कर्स एंड टाइम वैरीज इनवर्सली. नंबर ऑफ वर्कर और टाइम जो है वो क्या हो रहा है, इनवर्सली वैरीज हो रहे हैं. अब हम क्या करेंगे, इसी को हम सिंबॉलिकली लिखेंगे. नंबर ऑफ वर्कर्स को मैंने एक्स अज्यूम किया तो मैं एक्स लिखूंगी, वेरिएशन का साइन लगा दूंगी. क्योंकि ये इनवर्सली वेरिएशन है हम 1/y में लिख देंगे दूसरी क्वांटिटी को. अब हम देयरफॉर का साइन लगा के लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू के अपॉन वाई. एंड यहाँ पे हम लिख देंगे कि वेयर के इज अ कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन. इसके बाद मैंने आप लोगों को बोला है कि जब भी हम इनवर्स वेरिएशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ना, तो क्या होता है कि यहाँ पे एक स्टेप और इंक्रीज हो जाता है क्योंकि हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं. तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू वाई. ये एक हमें इक्वेशन मिल जाएगा. इतना हो जाने के बाद आपको थोड़ा बहुत याद भी रखना है कि अब हमारा स्टेप क्या है कि हम लिखेंगे when x and y. अब हमें k फाइंड आउट करना है तो हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि x क्या है y क्या है. तो क्वेश्चन में दिया है कि जब 15 वर्कर्स होंगे तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 15 एंड और y क्या दिया है, यानी कितने आवर्स में वॉल बन रहा है, 48 आवर्स में. तो y 48 है. तो अब फिर से हम ये इक्वेशन लिखते हैं k इंटू एक्स वाई एंड k इज इक्वल टू x की जगह हम 15 लिखते हैं, y की जगह 48 लिखेंगे एंड देन इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ जाएगा 720. k आ गया. अब मैंने आप लोगों को बोला है कि k की वैल्यू को हम डायरेक्टली इस इक्वेशन में पुट करते हैं और लिखते हैं x इंटू वाई इज इक्वल टू k. क्या है, k हमने फाइंड आउट किया 720. तो हम लिखेंगे x इंटू वाई इज इक्वल टू 720 और ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन. फिर हम ऐसे लिख देंगे द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज x इंटू वाई इज इक्वल टू 720. इसके बाद देखो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि सेम वॉल अगर 30 आवर्स में कंप्लीट करना है तो कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है. तो जो हार्स है उसे हमने क्या अज्यूम किया है, y अज्यूम किया है. तो हम यहाँ लिखेंगे when y इज इक्वल टू 30, यानी जब y 30 होगा तब x क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है. तो ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर जो इक्वेशन हमने बनाया है x इंटू वाई इज इक्वल टू 720, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इंटू वाई इज इक्वल टू 720. x लिखेंगे एज इट इज, y की जगह हम लिखेंगे 30 इज इक्वल टू 720. अब मुझे x फाइंड आउट करना है तो मैं ये 30 को क्या करूँगी, यहाँ पे राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगी क्योंकि 30 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है. तो मल्टीप्लीकेशन का रेसिप्रोकल डिवीजन होता है, तो 30 वहाँ पे जाके शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. सो x इज इक्वल टू 0 कैंसिल हो गया. 3 1 3 देन 3 2 6 1 यहाँ शिफ्ट होगा तो ये 12 बन जाएगा. 3 4 12, तो यानी कि 24 वर्कर्स हमें क्या है, रिक्वायर्ड है. ठीक है, 24 वर्कर्स हमें रिक्वायर्ड है. लास्ट में हम फाइनल आंसर लिख देंगे, वी रिक्वायर 24 वर्कर्स. क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते. थर्ड क्वेश्चन है, 120 बैग्स ऑफ हाफ लीटर मिल्क कैन बी फिल्ड बाय अ मशीन विद इन 3 मिनट्स, फाइंड द टाइम टू फिल सच 1800 बैग्स. क्वेश्चन में लिखा है कि 120 बैग्स है, ठीक है, हाफ लीटर मिल्क के 120 बैग्स है जिसको मशीन क्या करती है, फील्ड करती है. तो उसे मशीन को 3 मिनट्स का टाइम लगता है. तो ऐसे ही अगर 1800 बैग्स फील्ड करने हैं तो मशीन को कितना टाइम लगेगा. तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों को थोड़ा दिमाग लगा के सोचना चाहिए
कि अगर 3 मिनट्स में मशीन 120 बैग्स फिल कर रही है तो 6 मिनट में क्या करेगी, 240 बैग्स फिलअप करेगी, थोड़ी ज्यादा बैग्स फिल कर देगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मतलब मशीन क्या कर रही है, अगर आप 120 को 3 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इट मीन्स 1 मिनट में मशीन जो है वो 40 बैग्स फिलअप करती है, नेक्स्ट 1 मिनट में भी 40 ही बैग्स फिलअप करेगी, नेक्स्ट 1 मिनट में भी 40 ही बैग्स फिलअप करेगी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है कि अगर मैं बैग्स इंक्रीज कर दूँ तो मशीन को कम टाइम लग रहा है, नहीं, जैसे जैसे हम नंबर ऑफ बैग्स इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे मशीन को भी ज्यादा ही टाइम लगेगा, और अगर हम बैग डिक्रीज कर देंगे तो मशीन को भी कम टाइम लगेगा। तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट वेरिएशन हुआ। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे, सपोज नंबर ऑफ मिल्क बैग्स बी एक्स, मिल्क बैग्स जो है वो हमने एक्स अज्यूम कर लिया, एंड टाइम टेकन बाय मशीन टू फिल्ड मिल्क बैग्स, मशीन ने जो टाइम लिया है एक्चुअली बैग्स को फिलअप करने लिए, बैग्स को फिलअप करने के लिए, उस टाइम को हमने वाई अज्यूम कर लिया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ मिल्क बैग्स एंड टाइम वेरीज डायरेक्टली। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद ये वाला जो लाइन है इसको हम क्या करते हैं, सिंबॉलिकली लिखते हैं। तो नंबर ऑफ मिल्क बैग्स को एक्स अज्यूम किया है तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स, डायरेक्टली वेरिएशन है तो सामने सामने ही लिखते हैं हम दोनों, तो यहाँ पे वेरिएशन का साइन लगा के, जो टाइम है टाइम को वाई से रिप्रेजेंट किया है तो यहाँ पे हम वाई लिख देंगे। अब इतना होने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट अज्यूम करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफोर एक्स इज इक्वल टू के इंटू वाई, वेयर के इज अ कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करना होता क्योंकि इनवर्स में हम वो करते तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम लिखते हैं व्हेन, अब यहाँ पे देखो 120 बैग्स थे, वन बैग्स को हमने एक्स अज्यूम किया तो हम लिखेंगे व्हेन एक्स इज इक्वल टू 120, तो टाइम कितना लगा, टाइम को हमने वाई से रिप्रेजेंट किया तो वाई कितना है यहाँ पे 3 मिनट से, तो वाई हो गया 3। अब यहाँ पे फिर से हम ये वाला इक्वेशन लिखते जो हमने ऊपर बनाया है, फाइंड आउट किया है। इसके बाद इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यूज को पुट करेंगे और कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x है 120, k एज इट इज रहेगा, y है 3। नाउ मुझे क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये जो 3 है इसको मैं क्या करूँगी, यहाँ शिफ्ट करूंगी क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो देयरफोर k इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाय 3, देयरफोर k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 3, 3 × 4 = 12 एंड 0 एज इट इज, तो k आ गया 40। इसको हम बॉक्स भी बना सकते हैं यहाँ पे। अब इस k की वैल्यू जो है इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर पुट करते जो इक्वेशन हमने बनाया था इसमें हम पुट करेंगे और डायरेक्टली लिखेंगे देयरफोर द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन यहाँ पे बन जाएगा x इज इक्वल टू 40y। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन में पूछा है कि 1800 बैग्स को फिलअप करने के लिए मशीन को कितना टाइम जाएगा, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि नंबर ऑफ बैग्स को हमने एक्स अज्यूम किया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन, आपको शो करती हूँ, देखो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1800, जब 1800 एक्स है तो वाई कितना होगा हमें फाइंड आउट करना है, वाई यानी टाइम कितना लगेगा मशीन को। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन हमने बनाया है हम इस इक्वेशन को फिर से यहाँ पर लिख देते हैं, एक्स की जगह पर हम 1800 पुट कर देंगे 40 इंटू वाई, फिर से मुझे वाई फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगी 1800 को 40 से डिवाइड करूँगी क्योंकि इसको मुझे शिफ्ट करना होगा, मुझे y फाइंड आउट करना है तो y के साथ जो भी टर्म्स है मुझे यहाँ से उसे हटाना है, तो जब मैं इसको यहाँ से हटाऊंगी तो ये मल्टीप्लीकेशन में तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 1800 डिवाइड बाय 40, 0 0 कैंसिल हो गया, देखो 4 × 4 = 16, 2 यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो 20 बन जाएगा, 4 × 5 = 20, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 45 मिनट्स, यानी मशीन को 45 मिनट्स लगेंगे 1800 बैग्स को फिलअप करने के लिए। होपफुली कि आप लोगों को अब तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, सिर्फ फोर्थ क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फिर प्रैक्टिस सेट 7.3 जो है वो फिनिश हो जाएगा। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। अ कार विथ अ स्पीड 60 किलोमीटर पर हार टेक्स 8 hours टू ट्रैवल सम डिस्टेंस, व्हाट शुड बी द इंक्रीज इन द स्पीड इफ द सेम डिस्टेंस इज टू बी कवर्ड इन 7.5 hours। एक कार है, ठीक है, कार की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर हार की स्पीड है और 8 hours में 8 hours मतलब 8 hours तक कार क्या करती है, ट्रैवल करती है कुछ डिस्टेंस। अगर कार क्या कर रही है, व्हाट शुड बी द इंक्रीज इन द स्पीड, यानी कि कार को कितनी स्पीड इंक्रीज करनी चाहिए कि अगर सेम जर्नी यानी जितना भी डिस्टेंस कार ने ट्रैवल किया है उतना सेम डिस्टेंस अगर उसे 7.5 hours में कंप्लीट करना है
ठीक है ट्रैवल करना है तो कार को अपनी स्पीड कितनी इंक्रीज करनी चाहिए ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन का है या इनवर्स वेरिएशन का। तो ऑब्वियस सी बात है ये तो हमारे रियल लाइफ का एग्जाम्पल है ना, कि अगर किसी भी कार या व्हीकल की स्पीड इंक्रीज होती है तो जर्नी क्या होती है, कम टाइम में कंप्लीट हो जाती है, और अगर स्पीड डिक्रीज होती है व्हीकल की तो जो जर्नी है उसे कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये क्या हुआ, इनवर्स वेरिएशन हुआ। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले अज्यूम करेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन में मैंने यहाँ पे लिखा है, सपोज द स्पीड ऑफ कार बी एक्स एंड टाइम टेकन बाय कार टू ट्रैवल सम डिस्टेंस बी वाई, यानी कि कार की स्पीड जो है उसको हमने एक्स अज्यूम किया और टाइम जो है उसको हमने वाई अज्यूम किया। अब यहाँ पे हमने लिखा है कि स्पीड ऑफ कार एंड टाइम टेकन बाय कार वेरीज इनवर्सली, दोनों क्या है इनवर्स वेरिएशन में। इसके बाद इसको मैंने सिंबॉलिकली लिख लिया, एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू के अपॉन वाई, और यहाँ पे डॉट डॉट करके हम लिख देते हैं वेयर के इज अ कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन। जब भी इनवर्स प्रोपोर्शन होगा तो एक स्टेप और इंक्रीज होता है, वो क्या है कि यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। तो आप लिखते हो के इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, एक्स और वाई मल्टीप्लाई होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये एक नया इक्वेशन आपको मिल जाता है। इसके बाद आपको k फाइंड आउट करना है, तो k कब फाइंड आउट होगा, जब x होगा और y दोनों का वैल्यू आपको पता होगा। तो आप क्वेश्चन में से ध्यान से देखोगे कि क्वेश्चन में क्या लिखा है कि कार की स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर पर हार है, तो कार ने 8 hours लिए कुछ डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो स्पीड को हमने x से अज्यूम किया, तो हम x लिखेंगे 60 एंड y लिख देंगे यहाँ पे 8। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई लिखेंगे, k इज इक्वल टू एक्स की जगह हम 60 पुट करेंगे, y की जगह हम 8 पुट करेंगे, k इज इक्वल टू नाउ 480 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 480 यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म आ गया। ठीक है, नाउ इसके बाद आप चाहो तो इसको इस तरीके से बॉक्स बना दो। अब इसके बाद ये जो k की वैल्यू है आप यहाँ पे पुट करोगे इसी इक्वेशन में, और एक नया इक्वेशन मिलेगा जो होगा एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू k की जगह आप बोलोगे 480। तो इसको हम बोलते हैं द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो आप लिखोगे देयरफॉर, यहाँ पे लिखोगे आप द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 480। ये कैसे आया आपको समझ में आया होगा, 480 की वैल्यू जो है हमने यहाँ पे पुट किया तो एक्स इंटू वाई बन गया एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 480। तो ये नया इक्वेशन हमें मिल गया। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर सेम जर्नी हमें क्या करना है, सेम डिस्टेंस अगर 7.5 आवर्स में कंप्लीट करना है तो स्पीड कितनी इंक्रीज करनी होगी। तो हमें पहले फाइंड आउट करना होगा ना कि 7.5 आवर्स में अगर जर्नी कंप्लीट हो रही है तो कार की स्पीड है क्या एक्चुअली में। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू क्यू वाई लिखा मैंने, क्योंकि मैंने y अज्यूम किया है कि जो टाइम है वो क्या है y है, इसीलिए 7.5 आवर्स क्या है एक्चुअली में y है। अब हम इक्वेशन लिखेंगे, कौन सा इक्वेशन जो हमने यहाँ पे बनाया है, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 480। नाउ एक्स एज इट इज लिखेंगे, वाई है 7.5 इज इक्वल टू 480। नाउ एक्स इज इक्वल टू 480 डिवाइड बाय 7.5, सो देन एक्स इज इक्वल टू 480 डिवाइड बाय 7.5। अब आप क्या करोगे, 7.5 में ये डेसिमल पॉइंट रिमूव करोगे तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में एक और जीरो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या होता है, एक और जीरो इंक्रीज हो जाता है। अब हम इसे क्या करते हैं, 5 से डिवाइड करते। देखो 5 के टेबल में 7 नहीं आता बट 5 आता है, 5 बन जा 5, 2 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये 25 बन जाएगा, 5 5 जा 25। अब इसे हम 5 से डिवाइड करते तो 5 के टेबल में 45 आता है 9 टाइम्स में, तो हम लिखेंगे 9 एंड 45 को सब्ट्रैक्ट करो 48 में से, तो आंसर आएगा 3, 3 एंड 0 बिकम 30, 5 6 जा 30, 0 एज इट इज। ठीक है, अब आप चाहो तो आप 15 से यहाँ पे क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। देखो 15 बन जा 15, 15 6 जा होता है 90, देन 96 में से 90 सब्ट्रैक्ट कर दो 6 आ गया, 6 एंड 0 बिकम 60, 15 फोरजा होता है 60। तो यहाँ पे x कितना आ गया, x आ गया 64 किलोमीटर पर हार, यानी कि अगर मुझे जर्नी 7.5 आवर्स में कंप्लीट करनी है तो स्पीड क्या होगी कार की, 64 किलोमीटर पर हार। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कार की स्पीड कितनी इंक्रीज करनी होगी, तो इंक्रीज इन द स्पीड हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे इंक्रीज इन द स्पीड, यानी कि स्पीड कितनी इंक्रीज हुई। तो पहले स्पीड कितनी थी, 60 किलोमीटर पर हार थी, अभी 60 किलोमीटर पर हार थी,
और अभी कितनी हो गई 64 किलोमीटर पर हार हो गई, तो 64 माइनस हम 60 करेंगे तो विच इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर हार, यानी कितनी स्पीड इंक्रीज हुई, 4 किलोमीटर पर हार इंक्रीज हो गई। फिर फाइनल आंसर हम ऐसे लिख देंगे, हिंस द स्पीड ऑफ कार शुड बी इंक्रीज बाय 4 किलोमीटर पर हार। तो यहाँ पे बच्चों प्रैक्टिस सेट 7.3 जो है वो फिनिश हो गया, सारे सॉल्यूशन भी फिनिश हो गए। होपफुली आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को सब समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।